सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं मिक्स सब्जी और लच्छा पराठा। तो सबसे पहले हम मिक्स सब्जी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं गाजर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, बीन्स और हरी मटर। आप चाहे तो अपने मनपसंद की सब्जियाँ ले सकते हैं या जो ना खाते हैं उसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ले लिए हैं पनीर, ये पनीर 250 ग्राम के करीब है, और थोड़ा सा प्याज, स्वीट कॉर्न और मशरूम। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ले लिए हैं बेबी कॉर्न, और साथ ही यहाँ पे हम ले लिए हैं पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी को हम रफली चॉप कर लिए, यानी रफली कट कर लिए हैं, बारीक कट नहीं किए हैं। और यहाँ पे हम 2 से 3 टमाटर भी कट कर लिए हैं, और साथ ही यहाँ पे हम कुछ मसाले भी लिए हैं। तो यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, जैसे दालचीनी और छोटी इलायची, लौंग और बड़ी इलायची। और आप चाहे तो और भी खड़े मसाले ले सकते हैं, जैसे गोलकी। और थोड़ा सा यहाँ पे हम ले लिए हैं लहसुन, और लहसुन को हम पतले पतले कट किए हैं। और यहाँ पे हरी मिर्च लिए हैं 8 से 10, आप चाहे तो तीखी के कारण क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब जीरा, और थोड़ा सा यहाँ पे हम पास्ता ले लिए हैं, जो लंबे साइज़ की पास्ता होती है वही। और आप चाहे तो पास्ता को स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे हम सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, गोलकी जीरा पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे फूलगोभी, और फूलगोभी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे, लो बिल्कुल नहीं रखेंगे। और इसी तरीके से हम चलाते हुए गोभी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे जितना हमारी गोभी की क्वांटिटी होगी। और गोभी को हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए गोभी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और उसी बचे हुए तेल में हम डाल देंगे पनीर, और पनीर को भी हम फ्राई कर लेंगे। और पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर हमारा सॉफ्ट नहीं रहेगा। और थोड़ा ही फ्राई करने से पनीर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, तो इसलिए। तो ये देखिए पनीर हमारा फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं उसी बर्तन में। तो उसी बचे हुए तेल में हम डाल देंगे कटा हुआ मशरूम, और मशरूम को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मशरूम को हम चलाते रहेंगे, और ये देखिए मशरूम हमारा अच्छे से फ्राई भी हो गया है और पक भी गया है, तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। फिर से हम उसी तेल में डाल देंगे बेबी कॉर्न, और बेबी कॉर्न को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इन सभी चीज़ों को फ्राई करने में तेल की खपत ज़्यादा नहीं होती है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और बेबी कॉर्न भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे भी हम अब निकाल लेते हैं। तो फ्राई होने वाली सभी सब्जी हमारी फ्राई हो गई है, तो अब हम उसी तेल में डाल देंगे बीन्स, और बीन्स को भी हम अच्छे से भूनेंगे, और इसे हम तलेंगे नहीं, इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। और यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। बीन्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ गाजर, और इन सभी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और गाजर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो यहीं पे हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च और मटर और स्वीट कॉर्न, सभी चीज़ों को हम डाल करके और हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे ताकि सब्जियां हमारी भुने भी और पक भी जाए। और यहीं पे हम ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, और नमक को थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हम सभी सब्जियों में थोड़ी थोड़ी नमक ऐड करी है, तो नमक हमारी तेज़ हो जाएगी। और सब्जी हमारी अच्छे से भुन गई है, तो हम डाल देंगे पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ इसे सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। और सब्जियाँ हमारी अच्छे से भुन गई हैं और पक भी गई हैं, तो सब्जियों को अब हम निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा डालेंगे सरसों का तेल, और यहाँ पे हम डालेंगे जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले, और इन सभी मसालों को हम अच्छे से चटकने देंगे। मसाला हमारा अच्छे से चटक गया है, तो यहाँ पे हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन और कटा हुआ हरा मिर्च और प्याज, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। और प्याज में भी हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि प्याज हमारा अच्छे से गल जाए।
प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसे सॉफ्ट होने तक ही भूनना है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, गोलकी जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इन सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और यहाँ पे डाल देंगे हम कटा हुआ टमाटर, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे और टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। मसालों को हमें चलाते रहना है, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब मलाई, और ये घर की मलाई है। और मलाई को भी हम अच्छे से चलाते रहेंगे, नहीं तो मलाई हमारी फट जाएगी तो सब्जी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून भी जाए और पक भी जाए। तो ये देखिए मसाले हमारे तेल छोड़ने लगे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब रेड चिल्ली सॉस, और उसी चम्मच से हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब टोमेटो केचप, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारी अच्छे से भुन गई हैं और टमाटर भी गल गया है, तो इसमें हम डाल देंगे जो भी सब्जियां हमने फ्राई करके या भून करके रखी थी उन सभी सब्जियों को हम डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे ताकि सब्जियां हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए, सब्जियां और मसाले एक दूसरे में मिल जाएँ। और यहीं पे हम ऐड करेंगे जो हमने पास्ता दिखाया था वो पास्ता को, और आप चाहे तो कोई भी पास्ता ले सकते हैं, पर हम लोगों को यही पसंद है तो हमने यही लिया है। और आप चाहे तो पास्ता को थोड़ा सा बॉयल भी कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं है, सब्जियों में जो पानी होती है उसी से पास्ता हमारा पक जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। और सब्जी को हम ढक देंगे और इसे लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। और ये देखिए सब्जियाँ हमारी अच्छे से पक गई है, तो सब्जियां हमारी रेडी हो गई हैं। और आप चाहे तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यदि ग्रेवी खाते हो तो, हम लोग सूखी पसंद करते हैं इसलिए हम यहाँ पे सूखी रखे हैं। तो ये देखिए मिक्स सब्जी हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा बना है। तो अब हम चलिए लच्छा पराठा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 250 ग्राम के करीब मैदा, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच के करीब शुगर पाउडर और 2 से 3 चम्मच के करीब रिफाइन ऑयल, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यानी मोयन कर लेंगे। तो ये देखिए मैदा का मोयन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और आटा लगा लेंगे, और आटा हम बिल्कुल रोटी के आटे की तरह लगाएंगे। और हम यहाँ पे पनीर का पानी मेरे घर में था तो उसी पानी का हम यूज किए हैं। आप चाहे तो सिंपल पानी से भी आटा लगा सकते हैं। और ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा बिल्कुल रेस्ट कर लिया है, तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। और आटा को हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम रोटी साइज़ की छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस साइज़ की हमें लोइयां बनानी है, और आप जितनी बड़ी रोटियाँ बनाते हों उसी साइज़ की लोइयां बना लें। तो लोइयां हमारी रेडी हो गई है, तो चलिए फटाफट से रोटी बना लेते हैं। तो रोटी हम रोटी के आकार का ही रोटी बनाएंगे, और इसे हम मैदा का डस्टिंग करते हुए रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए रोटी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसे अब हम तेल से ग्रीस कर लेंगे यानी रिफाइन ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो घी से भी या बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। और यहीं और रोटी हमारा ग्रीस हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे मैदा, यानी मैदा को हम अच्छे से छिड़क देंगे, चाहे छन्नी के द्वारा या चाहे तो आप इसे हाथ से भी डस्टिंग कर सकते हैं। हम दोनों तरीका से आपको दिखा दिए हैं। और इसके बाद प्लेट बना लेंगे रोटी का, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम लोग साड़ी का प्लेट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्लेट बनाकर, और इसके बाद हम उस प्लेट को अच्छे से रोल कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और इसके बाद फिर से हम रोटी बना लेंगे। तो आप लोगों ने देखा है कि हमने लच्छा पराठा कैसे बनाया, तो बिल्कुल हमें इसी तरीके से बेल लेना है, और हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल बिल करके रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड करके और फिर से हम आपको एक रोटी और बेल करके दिखाते हैं कि हमें कैसे बेलना है। तो फिर से हम एक लोई ले लिए और उसे हम मैदा से डस्टिंग करके और फिर से हम एक रोटी बना लिए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा रोटी रेडी हो गया, इस पर हम फिर से ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं, और इसके बाद मैदा का इस पर हम डस्टिंग कर लेंगे, और फिर इसे साड़ी की तरह हम इसे फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से।
और इसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे और फिर इसे हम बेल लेंगे। तो आप लोगों ने देखा ही कि मैं कैसे कैसे इसे बेल रही हूँ यानी बना रही हूँ। और इसी प्रकार से हम सारी लोई का रोटी बना लेंगे यानी पराठा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लच्छा पराठा को बेल लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे सेकने की प्रोसेस पे चलते हैं। तो गैस पे हम तवा चढ़ाती हैं, आप चाहे तो कोई भी तवा ले सकते हैं। हम यहाँ पे नॉनस्टिक तवा लिए हैं, आप चाहे तो लोहे का भी तवा ले सकते हैं। और तवा हमारा गर्म हो गया है तो इस पे हम डाल देंगे जो हमने पराठे बनाए थे उस पराठे को। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे उलट पुलट करते हुए पराठों को अच्छे से सेक लेंगे। और इसके बाद इसमें हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, आप चाहे तो बटर घी किसी चीज़ से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। और यदि आप कम तेल खाते हो तो आप इसमें कम लगाएं, और आप यदि ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा लगा। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके ही हम रोटी को यानी पराठे को सेक लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। और उलट पुलट करके पराठे को हम अच्छे से सेक लेंगे। और ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसी तरीक़ा से हम जितने भी लच्छा पराठा है सभी को बना लेंगे। और आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि हमारी लच्छा पराठा की परत कैसे निकल रही है। और उसी प्रकार से हम दूसरे पराठों को भी सेक लेंगे और इसे भी हम उलट पुलट कर अच्छे से सेक लेंगे। और इसमें भी हम रिफाइन लगा करके और अच्छे से पराठा को सेक लेंगे। तो ये देखिए इस पराठे को भी हम अच्छे से रिफाइन ऑयल लगा लिए हैं और उलट पुलट करके और अच्छे से सेक लिए हैं। और ये भी पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मिक्स सब्जी और लच्छा पराठा, और काफ़ी टेस्टी लगता है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी लच्छा पराठा की परत किस तरीके से दिख रही है। और ये लच्छा पराठा काफ़ी क्रिस्पी भी बनी थी। और आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि हमारी परत लच्छा पराठे की कैसे कैसे खुल रही है। तो चलिए हम आपको तोड़ करके दिखाते हैं कि हमारी लच्छा पराठा कैसी बनी है। तो ये देखिए, और बहुत ही अच्छी बनी थी हमारी लच्छा पराठा। तो आप भी लच्छा पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारी मिक्स सब्जी भी हमारी बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप इस सब्जी को भी ट्राई कीजिएगा। तो यही थी आज की हमारी रेसिपी, मिक्स सब्जी और लच्छा पराठा। यदि हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।